He's got no competition. He's Susan. अरे सुरा, तेरा तो हुलिया ही बदल गया। ये गाड़ी किसकी है सुरा? सब पता चल जाएगा चाचा। ये लो चॉकलेट। चॉकलेट? ये और। इतनी सारी? माँ, कपड़े कैसे हैं? अच्छे हैं ना? I have a good news for you. What news? Superb! क्या बात है? हाँ, हमारे अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। जल्दी हमें नए घर मिल जाएंगे। अपना घर? हाँ रवि, ऐसे घर जो गर्मी में जलेंगे नहीं और बारिश में टपकेंगे नहीं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। क्या सरकार हमारे लिए नए घर बनाएगी? नो, हम बनाने वाले हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पैसा कहाँ है? पैसा माँ देगी। मैं दूंगी। क्या माँ? माँ से मेरा मतलब है हम सबकी माँ, ये समंदर। सारा माल गायब है, मेरा पैसा लगा है, जाओ उसका पता लगा। ए, रुको। चलो पापा को काम। क्या हुआ बेटा, फुटबॉल खेल रहे थे? हाँ डैडी। जाओ जाओ अंदर जाकर फुटबॉल खेलो, जाओ। चलो चलो। हाँ सारे घर एक जैसे दिखने चाहिए। जब तक मेरा पैसा इसके पास है, इसकी सांसें चलती रहनी चाहिए। उस दिन जब तूने मुझे ललकारा था तो मुझे लगा कि तूने ऐसे ही जोश में होश खो दिया है, लेकिन अब जाकर एहसास हुआ कि तूने जो कहा वो किया भी। कोई बात नहीं, मेरा पैसा लौटा दे, मैं तुझे माफ कर दूंगा। तू क्या कोई देवता है जो मुझे माफ करेगा? मैं तेरे पैसे लौटाने वाला नहीं हूं। मेरे पैसे मुझसे चुराना और फिर ना लौटाना, ये कहां की शराफत हुई? जरा देखो तो शराफत की बात कौन कर रहा है। वैसे भी एक चोर के पैसे चुराना कोई पाप नहीं है। क्या देख रहा है, अभी तक समझ में नहीं आया? मेरा सपना है अपने बस्ती वालों को घर बना के देना। हर रोज में बैठा सोचता था कि किस तरह अपना सपना पूरा करूं, लेकिन ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं है। उन्होंने मुझे रास्ता दिखा दिया और रास्ता दिखा के उस पर चलने के लिए पैसों का इंतजाम भी कर दिया। अब मैं आराम से घर बना सकता। ठीक है, एक काम कर, वो पैसे मुझे दे दे, मैं खुद तेरे बस्ती वालों को घर बना के दूंगा। तू बनाएगा? तू हमारे घर बना के देगा? और मैं बात मान लू, तू कोई जेंटलमैन नहीं कि तेरी जुबान पर मैं भरोसा करूं, और ना ही मैं कोई सेल्समैन हूं कि एक बार पैसे मिलने पर उसे फिर से लौटा दूं। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं देने वाला। बराबर बोला मामा? एकदम सही कहा भांजे। फर्ज करो अगर सामान से भरा हुआ तुम्हारा जहाज पानी में डूब जाए, हाँ, तो तुम क्या करोगे? बड़ा दिल करके बुरी खबर को सुनेंगे, साथ में बैठेंगे, चार पैग मारेंगे और टल्ली होके सो जाएंगे। गुड, तो अभी भी जा करके यही करो। चलो फूटो। तेरी तो जब बड़े बात करें तो छिछोरों को चुप रहना चाहिए। जिसने भी टांग अड़ाई टांग तोड़ दूंगा। बस ये समझ लो कि ये पैसे बस्ती जलाने की भरपाई है। चलो अब दफा हो जाओ। सुरा, आज से पहले किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की। जब मैं भड़कता हूं तो सिर्फ मुंह नहीं चलता, हाथ पैर चला के मारना शुरू करता हूं। तू सिर्फ मारता है, मैं जान से मारता हूं। The glory of the ocean, he is the great sensation, he's all real, no fiction, he's Sura. He is the hero of the nation, he's the one for salvation, he's got no competition, he's
ऐसा दिल कर रहा है कि इस पर इसी वक्त रोड रोलर चढ़ाकर कुचल कुचल कर तड़पा तड़पा कर मार दूं। ये सिर्फ तब तक जिंदा रहेगा जब तक इसके पास मेरे पैसे हैं। चलो जान बची लाखों पाए लौट के बुद्धू तट पे आए। अच्छा हुआ नहा भी लिया। मेरे हाथ की तो वाट लग गई। जब वो गरीब था तो लोगों की धुलाई करता था, अब अमीर हो गया तो देख एक फटके में तेरी क्या हालत कर दी। अब नहा लिया हो तो काम पे लग जा। नहीं मैंने काम छोड़ दिया। ठीक है उससे बचना हो तो तुरंत गांव भाग जा। तत्काल से टिकट लेके निकल ले। जा रहा हूँ जा रहा हूँ। आज का दिन वाह रे वाह, आज की कमाई वाह रे वाह। बीच पर तो आज नोटों की हरियाली छाई है। वो किसी ने कहा है ना, किस्मत हो झकास तो पैसों की हो बरसात। मुझे ये पैसे छुपा के रखने होंगे वरना उधार मांगने वाले अपने गटर का शटर जैसा मुंह खोल के आ जाएंगे मांगने के लिए। अरे उधर देख। अरे ये पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है? You are under the arrest. अरेस्ट? मैंने अरेस्ट जैसा किया क्या? तो तेरे कुछ करने का इंतजार करते। उसमें तुम्हारे बाप का क्या? ओए, मेरे बाप पे मत जाइयो। क्या क्या है तेरे पास? चेने अंगूठी है घड़ी और माँ भी है। देगा? कोने में आजा तुझे देता हूँ। चुप, फालतू बात करके टाइम खराब ना कराए। लठ दे मन्ना तू। ये ले। मेरा 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 फुल लोडेड है सर। कितना है? 2000 है सर। कहाँ से लूटा? अरे लूटा नहीं ये मेरा है। में क्यों दाब रखा था तने? आजकल चोरों का भरोसा नहीं, कहीं भी कभी भी आ जाते हैं। डाल दिया। अरे मेरा पैसा, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम्हें जो भी सच या झूठ बोलने का है चल के हमारे सीनियर को बोलने का। अरे मेरी कमाई है, मुझे भी दादागिर कर रहे हो। देखो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ऊपर तक जाऊंगा। डीसीपी सर ये बहुत भारी मुजरिम है, इससे कहिए खुद गाड़ी में बैठ जाए, अब इसे हम लोग नहीं उठा सकते। अरे पुलिस भूतों से बात करती है क्या? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। सुबह सुबह पी के आया क्या? मम्मी पापा इतने बड़े डीसीपी साहब खड़े हैं तो जन्ना सर नहीं आ रहे? पुलिस वालों में भी छोटा रिचार्ज होता है क्या? अरे थोड़े पैसे जमा करो और वो पैसे मुझे दो ताकि मैं इसका टॉक टाइम रिचार्ज करूं। मेरा लेवल बढ़ाओ। ये लो बढ़ा दिया। क्या है तेरी प्रॉब्लम? मैं पुलिस में तेरी कंप्लेंट करूंगा। साला तू पुलिस की कंप्लेंट करेगा? रुक तेरी रिपोर्ट मार लेता हूं। चंदे चंदे ए इसके पास कितना माल लिखा? मात्र 2000 रुपए जनाब। 2000 रुपए लेके खुले हम घूमते तेरे का शर्म ले। मम्मी ए इस पे केस बनाओ कि एक बूढ़ी औरत के 2000 रुपए लेकर भाग रहा था। चोरी नहीं मेरे पैसे। देख मेरे को गुस्सा है ना, मैं कच्ची पे बिठाऊं नहीं तो फोड़ डालूंगा इसका। साहब आदेश का पालन कर। मार क्यों रहे हो मेरे पैसे? चल चल अरे ना जा बैठ जा। खाने ले चलूं क्या? मेरा पैसा गया, पुलिस आई पैसा लिया और चली गई। कहीं मुझे चुना तो नहीं लगा? पुलिस की जीप तो चली गई थी, ये वापस क्यों आ रही है? कोई अंधा भी देखकर कह देगा कि ये डेढ़ फुटिया नकली पुलिस है, तुझे पता नहीं चला क्या? नकली पुलिस है? तूने इसको कुछ पैसे दिए? इस पर तो मुझे पहले से ही शक था, इतना सा 100 ग्राम का पुलिस वाला वो भी हरे रंग की जीप लेकर आ गया था है? तो जैसे सावन के अंधों की वजह से इन टिंगुओं के धंधे टिके, तुम जैसे ना समझ और बेवकूफ लोगों की वजह से ही हम जैसे पुलिस वाले बदनाम होते हैं। अब बता तूने इसे कितना माल दिया? मैंने इसे दिया नहीं है, इसने मेरे पैंट में हाथ डाल के ले लिया। प्रॉमिस ना? मम्मी की प्रॉमिस? गीता की प्रॉमिस सुना था, ये मम्मी की प्रॉमिस कहाँ से आ गई? हाँ ठीक है ठीक है, मम्मी की प्रॉमिस। इसने मम्मी प्रॉमिस लिया है। अब तू 2000 निकाल। 2000 नहीं 130 थे। ये झिंगुर तुझे 2000 दिए थे, असली पुलिस के सामने नकली पुलिस झूठ बोल रहा है। असली पुलिस आ गई है। असली पुलिस मतलब ये भी नकली थी? सुरा धर्मा की नाव बहुत पुरानी हो गई है, उसे एक नई बना के देते। पहले उसका घर बनाएंगे, पैसा बचेगा तो उससे हम धर्मा क्या बाकियों के लिए भी बोट बना देंगे। सूरा, सूरा, पूर्णिमा कॉलेज से अब तक घर नहीं लौटी है और सुबह से उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। जवान बेटी, अगर घर ना आए तो माँ बाप की जान निकल जाती है, पर तू घबरा मत, उसके साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर तू मेरे पैसे लेकर नहीं आया तो मेरे आदमी एक एक करके उससे नोच खाएंगे।
मेरे 15 आदमी तैयार बैठे हैं, ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएगी, समझ गया तू? एड्रेस भेज, मैं अभी पैसे लेके आता हूं। के घर में किसी ने बॉम्ब रखा है, वो किसी भी समय फट सकता है। गलत फहमी हुई है तुम्हें, यहाँ कोई बॉम्ब नहीं है। नहीं सर, जिसका फोन आया था बहुत यकीन से कह रहा था। चलिए चलिए, आप लोग निकलिए। मैडम आप भी प्लीज, चलिए चलिए जल्दी करिए। सर आप भी प्लीज। सर बॉम्ब नहीं मिला, दूसरे रूम में चेक करते हैं। Hey! Right.